नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं साईं बाबा की नगरी शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए, और अभी हम जस्ट पहुंचे ही हैं। इसके बाद की जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में और आइए हमारे साथ। ये है शिरडी साईं नगर रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस, और इस रेलवे स्टेशन की वजह से ही दर्शनार्थियों को बाबा के दर्शन करने में बहुत आसानी हो गई है। पहले बस की सेवा ही रहती थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अब बस के साथ साथ ट्रेन की भी सुविधा हो गई है दर्शनार्थियों को शिरडी तक पहुँचने के लिए। और ये देखिए, यहाँ रेलवे स्टेशन में मिल रही हैं बाबा की कितनी सुंदर मूर्तियाँ और तस्वीरें। तो होटल तक पहुंचने के लिए आपको कन्वीनियंटली यहां ऑटो मिल जाएंगे, जिन्हें आप हायर करके अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए, हम मंदिर के पास आ चुके हैं और यहीं से बाबा के मंदिर में जाने के लिए लाइनें लगती हैं, और यहीं पर है हमारा होटल जहां पर हम अब उतरने वाले हैं। शिरडी में रहने की व्यवस्था की बात करें तो आप इस तरह से होटल्स के कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं जो मंदिर के आसपास ही अवेलेबल हैं। इसके साथ ही अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ रहना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी साईं संस्थान की तरफ से व्यवस्था है, जिसके लिए 3 यहाँ आश्रम या निवास हैं, जिनके नाम हैं साईं आश्रम, द्वारावती निवास और भक्ति निवास। और इनमें आप आसानी से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ करना ये है कि ऊपर दी गई वेबसाइट sai.org.in में आपको लॉगिन करना होगा, और वहाँ आपको यहाँ के रूम्स की अवेलेबिलिटी देखकर बुकिंग कर लेनी होगी। बाकी रूम की प्राइसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है, आप चेक कर सकते हैं। साईं बाबा समाधि मंदिर के गेट नंबर 2 के सामने है ये साईं उद्यान, जहाँ पर आपको ऑफलाइन ही रूम मिल जाएंगे।
यहाँ पर लॉकर रूम भी है जहाँ अपना आप सामान सुरक्षित रख सकते हैं। ट्रैवलिंग के बाद हम आ गए हैं होटल पर और यहाँ हमने फ्रेशन अप हो लिया है। इसके बाद हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए साईं बाबा मंदिर में। दर्शन करने जा ही रहे थे कि रास्ते में है ये महालक्ष्मी जी का मंदिर और यहाँ हो रही है साईं बाबा की आरती। तो आइए सब हम भी आरती में हिस्सा लेते हैं। पहले की तरह अब समाधि मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद फूल चादर आदि कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर भी यहाँ के शॉपकीपर्स और उनके एजेंट्स आने वाले भक्तों के पीछे पड़े रहते हैं कि ये सब चीज़ें आप इनसे खरीद लें। लेकिन मेरी आप सभी से यही एडवाइस रहेगी कि आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए और बाबा के समाधि मंदिर में खाली हाथ और मन में श्रद्धा लेकर जाइए और शांति से बाबा के दर्शन करके बाहर आइए। तो अब हम लग गए हैं लाइन में, साईं राम के दर्शन करने जा रहे हैं हम, लेकिन अंदर का वीडियो आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद। दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। लगभग 3 घंटे का समय लगा और हमें अच्छे से बाबा के दर्शन मिल गए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छे से हमें दर्शन मिल गए। और अभी शाम का समय हो रहा है और बाबा की शाम की आरती चल रही है। मंदिर के परिसर के बाहर लगी हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनें जहां आप साईं राम की आरतियां और पूजा अर्चना सभी कुछ लाइव देख सकते हैं। स्वर्ण से चमकता ये है सदगुरु साईनाथ महाराज का समाधि मंदिर और सामने है ये द्वारका माई जहाँ अधिकतर समय उनका बीता करता था और ये है उनकी चावड़ी। दर्शन कर लेने के बाद हम आ गए हैं शिरडी मार्केट में। और गुरुवार के दिन निकलती है बाबा की धूमधाम से पालकी, इसलिए हम यहीं चावड़ी के पास ही रुक गए थे बाबा की पालकी को देखने के लिए। Thank you.
तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद है आप सभी ने इसे पसंद किया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको लेकर चलेंगे साई प्रसादालय की तरफ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। ओम साईं राम।